The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इस अपने प्रोग्राम को आप बहुत प्यार दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा साहब, आज उनका स्वागत करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आज का प्रोग्राम है बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्यों इंटरेस्टिंग होने जा रहा है? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज प्रोफेसर साहब जो हैं वो आपसे सीधी बात करेंगे, आपसे लाइव बात करेंगे। तो हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज आपको कैसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो टाइम होता ही नहीं है। शिवानी जी, सच बताऊँ तो टाइम निकालना पड़ता है। अभी मैंने ऑफिस से क्लोज किया, मैंने कहा बंद करो पहले फटाफट, क्योंकि दो दिन से मैं लाइव कर रहा हूँ, दो दिन से मैं लाइव की ऐड दे रखी है, मैं लाइव होने जा रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे को जानते हैं और मेरे पास आ नहीं सकते, उनके पास कोई साधन नहीं होता, इसलिए वो मेरे से बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा क्यों ना उसके लिए बात ही कर लूँ, इसलिए मैं आज उनके लिए हाज़िर हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करना, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, साइंटिफिक रीज़न से मैं जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका और मैं उसका जवाब साइंटिफिक रीज़न से दूंगा, और आपका हल वहीं पर बैठे बिठाए ही करूंगा। कोशिश करूंगा चाहे वो नंबरोलॉजी हो जाए, कोशिश करूंगा चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे भी आपका हल निकल सके, कोशिश मेरी यही होती है। हर वक्त दफ़ा मैं यही चाहता हूं कि घर में बैठे ही आपको ठीक करूं, चाहे वो एपिसोड के माध्यम से, चाहे लाइव करना हो, चाहे कहीं पे खड़े होकर। आज स्टूडियो के पास खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो शिवाली जी यहीं पर बैठ के लाइव कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका घर बड़ा सुंदर है। मेरी कोशिश, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं भी बैठ के हम कर लें, घर की तो बात नहीं होती, घर बनाता है अपनों, जो अपने होते हैं वो घर बनता है। जैसे आप मेरे अपने हो, जैसे कि ये जो मेरे कैमरे वाले हैं ये भी मेरे अपने, क्योंकि मेरे साथ साथ रहते हैं। जैसे कि घर में जितना अपनापन होता है, अपनों का होना जरूरी है, तब घर सुंदर बनता है। नमस्कार सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैम नमस्कार, मैं बस्ती यूपी से बोल रहा हूँ, अयोध्या के पास। जी जी, मेरा नाम आशीष टुकराल है। जी आशीष जी, आपने प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम कब देखा और आपको कैसे लगा कि हाँ मुझे प्रोफेसर साहब से बात करनी चाहिए? एक्चुअली मैं सबसे पहले के लाइव का पहले दिन प्रोग्राम हुआ था तो बनारस से मेरी सिस्टर ने ये बात की थी सर से, वो उस दिन उनका बर्थडे भी था मेरी सिस्टर का, तो उन्होंने ही मुझे बताया, तो तब से मैंने देखना स्टार्ट किया प्रोग्राम। जी आज आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं प्रोफेसर साहब? हाँ सर, मैं प्रोफेसर साहब से ये पूछना चाहता हूँ आपके बिजनेस से रिलेटेड। जैसे मेरा रेडीमेड गारमेंट का काम है, रेडीमेड गारमेंट की शॉप है यहाँ बस्ती में। जी बोलिए। जी मैम, तो आपके पीछे बहुत लंबी लाइन है, बहुत लोगों की कॉल आ रही है, हमने वो भी पिक करनी है। आप फटाफट से अपना क्वेश्चन बोलिए और प्रोफेसर साहब उसका साइंटिफिक तरीके से आपको जवाब देंगे। जी वही, मुझे उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी मैं चाहता हूँ। आशीष जी बिजनेस आपका नहीं चल रहा। आशीष जी पहले तो नमस्कार बुलाता हूँ मैं आपको। आशीष जी नमस्कार, गुरदीप बड़ा बोल रहा हूँ। जी ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशीष जी बिजनेस है आपका गारमेंट्स का चल नहीं रहा। जी आशीष जी सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रोग्राम कहाँ देखे, यूट्यूब के ऊपर देखे या प्रोग्राम कहीं कहाँ पे देखे आपने? मैंने यूट्यूब पे देखे सर। कैसे लगते हैं प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छे लगते हैं सर। बहुत अच्छे लगते हैं। कितने प्रोग्राम देख लिए? सभी देख लिए जितने यूट्यूब पे डले हैं? काफी देखे सर, काफी देखे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आज आप मेरे पास आए भी नहीं और आपकी बात हो रही है, यूपी से बोल रहे हैं, और सुनिए बहुत ध्यान से, आपके लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। सूखा धनिया लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम सूखा धनिया आपने लेना है। 50 ग्राम हरा धनिया? हाँ सूखा धनिया, हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया। जी उसको चलते पानी में जल प्रवाहित कर रहा है। बुधवार को शाम को 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में, आजकल मौसम चेंज हो चुका है इसलिए 4:30 से 5:30 के बीच में चलते पानी में जल प्रवाहित करना है। गारमेंट्स का काम चलना शुरू हो जाएगा, बस मात्र छोटा सा उपाय ये कीजिए, फिर देखिए आपका काम कैसे चलता है। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद आशीष जी।
प्रोफेसर साहब, कल हमारे पास कोई कस्टमर आया तो ऐसे बातों बातों में बात छिड़ी, उसको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती थी, तो वो पूछने लग गया मेरे से कि अष्टम घर का अगर लॉर्ड हो, उस घर का जो स्वामी होता है, क्या हम उस घर की चीज़ें खाना छोड़ दें तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ठीक होनी शुरू हो जाएगी? क्या ऐसा होता है? शिफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग ज्योतिषी कर लेते हैं और ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर मेष लग्न हो, अष्टम घर का लॉर्ड भी मंगल आ गया जी, मंगल की जो चीज़ें हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो उस पर पता क्या होगा जी? उस पर सबसे बड़ा कारण ये होगा कि हम जो मंगल की चीज़ नहीं खाएंगे हमको ताकत नहीं मिलेगी। लग्नेश है जी, लग्नेश लग्न का लॉर्ड है, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। हाँ, अगर कोई और लग्न है, मान लीजिए वृष लग्न है या मिथुन लग्न है और कोई भी ऐसा लग्न है, मिथुन लग्न है तो भी अष्टम घर की चीज़ें आप खा सकते हो, क्योंकि मिथुन लग्न है तो शनि बना अष्टम का लॉर्ड और नौवें घर का लॉर्ड, तो ऐसा चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ें सारी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है मैम? नमस्कार जी। मैम, मैं आरती शर्मा बोल रही हूँ। आरती जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? नंगल से मैम। नंगल से जी। आपने प्रोग्राम कहाँ देखा प्रोफेसर साहब का? मैम, मुझे प्रोग्राम देखते हुए कम से कम 1.5 साल हो गया, हम सर के पास दो बड़ी आ भी चुकी हैं जी। कैसा लगा आपको प्रोफेसर साहब के पास आकर? बहुत अच्छा मैम। जैसे ना हमारी लाइफ पहले बहुत डिफिकल्ट चल रही थी, कुछ तो इजी हो गई है, बहुत ज्यादा, मतलब कि 50-60% बोल सकते हुए मैं इजी हो गई है मेरी लाइफ। प्रोफेसर साहब के उपाय करने से ऐसा हुआ क्या या फिर? यस मैम, मेरे हस्बैंड, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड को हर साल एक्सीडेंट होता था उनका जी। जब से मैं सर के पास आ रही हूँ ना, तब से उनकी कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मींस कि वो बहुत अच्छे हैं अभी। अभी आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना चाहती हैं प्रोफेसर साहब से? मैम, मैं सर से अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ, सर से बात हो सकती है? जी हो सकती है। हेलो, ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय आरती जी, ओम नमः शिवाय। क्या सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1991, 16 सितंबर 1900। आपका 1 और 6 से बना है, सूर्य और शुक्र से बनता है 7 अंक, और सूर्य और शुक्र से जो 7 अंक बनता है इतना बुरा नहीं होता, लेकिन शुक्र पीछे आगे सूर्य है, ये काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि पीछे शुक्र कभी ना कभी आपको तंग करेगा, तड़फाएगा, धोखे दिलाएगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि मैं कामयाब होना चाहती हूँ, फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि अगर आपका फ्यूचर बढ़िया हो, तो मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, माथे के ऊपर सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाना है, सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाना है, और एक और छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, कानों में गोल्ड हमेशा पहन के रखना। और फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहते हो? ये दो उपाय मैंने दिए, घरेलू उपाय। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ, एजुकेशन में जा रही हूँ लाइन में, देन मैं मेरा फ्यूचर, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी सक्सेस करूँ कि मैं अपने पेरेंट्स, मतलब कि इन लॉ फैमिली को खुश कर सकूँ, अपनी इनकी गवर्नमेंट जॉब कर या प्राइवेट जॉब जो भी मुझे मिले उनमें उनको अच्छी खुशियाँ दे सकूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है? अच्छी खुशियाँ दे सको, अगर बहुत क्यों नहीं हो सकता, मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, सफ़ेद गाय को शुक्रवार के दिन आपने चारा डालना है, शुक्रवार को सफ़ेद गाय को अगर ऐसे डालोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, जैसे सफ़ेद गाय की होती ब्राइट वाइट वाइट, ऐसे आपका जो अपना फ्यूचर है वो वाइट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, कामयाब हो जाओगे। शुक्रवार के दिन आपने सफ़ेद गाय को चारा डालना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान करे आगे फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया रहे। आरती जी शुक्रिया आपका। हाँ जी प्रोफेसर, अभी बात आती है कि आप हमारे पास कोई भी आए तो हम लोग कई कुछ किसी को कुछ नहीं बोलते कि स्टोन्स पहनाइए तो अब आप ठीक होंगे, आप सिंपल सिंपल रेमेडीज़ बताते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, और आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो हर 6 मंथ बाद जो है वो चेंज हो जाती है, ऐसा आप कैसे क्रिएट कर लेते हैं? शिफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि आपकी जो रेमेडी है वो 6 मंथ बाद मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी हालात के मुताबिक, जैसे कि मान लीजिए शिफाली जी अभी मौसम चेंज हो रहा है जी, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है जी। वैसे तो पहले सर्दी होती थी, जब करवा चौथ का व्रत होता था लोग लोई डाल जी, मुझे याद है कि जब मैं भी उठती थी ना तो मैं स्टॉल लेके उठती थी, स्टॉल लेके, लेकिन इस बार पता ही नहीं चला कि हम सर्दी कहाँ गई। सर्दी देखो धीरे धीरे सर्दी कम हो रही है, जिस तरीके से जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, हालात चेंज होते हैं, उसी तरीके से मैं अपने उपाय चेंज करता हूँ, क्योंकि हालात के मुताबिक अगर हम उपाय करते हैं तो जल्दी वर्क करते हैं। अगर हम उसी तरीके से जैसे
ऐसे किताबों में लिखे हैं सन 47 के उपाय, हाँ जी नहर पे ऐसे 43 दिन लगातार कीजिए, अब तो न वो नहरें रही, ना वो पानी रहा, ना वो साफ पानी रहा, गंदा पानी कर दिया लोगों ने और बहुत कुछ कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर नहीं सकते, लेकिन हालात के मुताबिक अगर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। हेलो नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम करणवीर सिंह है। करणवीर सिंह जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम जलंधर से बोल रहे हैं मैडम। अच्छा, जलंधर से बोल रहे हैं। करणवीर जी, आपका आपने कब प्रोग्राम देखा प्रोफेसर साहब का? मैम लास्ट टाइम आपका आस्था चैनल पे देखा था मैंने, उसी को देखकर मैंने मतलब जी कि मैंने कहा एक बार सर को जरूर कॉल करके देखूं। जी जी। तो आज आपका क्वेश्चन क्या है सर? हाँ जी मैम, ऐसे था कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, क्या मेरे को बता सकते हैं कि इनका मेरा योग खुलता है? मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1992 और टाइम 3:05 शाम का। ठीक। करमवीर जी, आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए आप पूछना चाहते हैं? करमवीर बेटा जी, विदेश जाने के लिए आप कहते हैं कि विदेश मेरा योग है या नहीं, आपने अप्लाई किया या नहीं किया? पंडित जी पहले किया था लेकिन मेरा काम बना नहीं, मतलब जब भी 8 फरवरी को जन्म हुआ तो आपका शनि का अंक बनता है, इसलिए काम आपके जितने भी काम होते हैं देरी से होते हैं, क्यों ऐसा ही है कर रही जी? हाँ जी पंडित जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, जितने भी काम आपके होंगे स्लो होंगे देरी से होंगे, उसके लिए आपको मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, शनि देव का एक छोटा सा उपाय, 8 काली मिर्चे आपने चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है शनिवार के दिन, जिससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 8 काली मिर्चे शनिवार के दिन आपने चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है शाम को 4:30 से 5:30 में। और एक और छोटा सा उपाय साथ में देना है, एक शनिवार 8 काली मिर्चे करनी है, एक शनिवार 800 ग्राम उड़द की दाल, काले माँ जिसे बोलते हैं, आपने क्या करने हैं धार्मिक स्थान पे देके आने हैं, वो सुबह के टाइम देने हैं 9:15 से पहले पहले, पहले शनिवार चलते पानी में जल पाए, दूसरे शनिवार धार्मिक स्थान पे, ऐसे दो दो दफा करिए, आपके जितने भी स्लो काम होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय बेटा जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की शनि देव की, जो न्यायाधीश है, जो धीरे धीरे देते हैं और स्टेबल रखते हैं। बिल्कुल शिफाली जी, जो शनिदेव की बात कर रहे हैं तो शनिदेव की बात ऐसी है जो शनिदेव देते हैं धीरे धीरे, लेकिन जब वो छीनते हैं एकदम से छीनते हैं, जिसका शनिदेव बहुत ज्यादा खराब होता है, सारसती आती है, आती बंदे को बर्बाद कर देती है, जब जाती है धीरे धीरे देना शुरू करती है और लॉन्ग टाइम तक लास्ट टाइम तक देती है वो जी। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं शनिदेव के बारे में, तो ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो हमारी कॉल बीच में आ रहे हैं हम ले नहीं सकेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं चीका कैथल से बोल रही हूँ। कैथल से बोल रही हैं, आपका शुभ नाम क्या है मैम? महक। महक जी, आपने प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम कब देखा? मैं इनका डेली फॉलो करती हूँ जी। कैसा लगता है आपका प्रोग्राम? द बेस्ट शो जी। और आज आपका क्वेश्चन क्या है प्रोफेसर साहब? मुझे उनसे अपनी शादी के बारे में पूछना है जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए फिर मैम। हाँ जी, 11 दिसंबर जी 1993। 11 दिसंबर 1993। क्या नाम बताया बेटा जी आपने? महक। महक बेटा 11 दिसंबर 1993। 2-11 अंक बनता है, जो डबल सूर्य, 2 सूर्य से 11 का अंक बनता है, बहुत बढ़िया। और महक बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरा प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं मेरे ख्याल में। नहीं सर, मेरी मम्मा हर शो फॉलो करती है आपका, हर एक वर्ड। आप नहीं करते, आपकी मम्मा करती है। मम्मा करती है तभी मैं करती हूँ। अच्छा, प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? मैं कह रही हूँ द बेस्ट शो है आपका, हर एक चीज देखते हैं हम। और सबसे बड़ी चीज आपको ये अच्छी लगती होगी, क्योंकि आजकल के यंग बच्चों को जो साइंटिफिक रीजन से मैं बताता हूँ वो चीज अच्छी लगती होगी। एग्जैक्टली कि हर चीज के पास एक रीजन है। रीजन है तभी, जिसके पास जो चीज के जिसका रीजन नहीं होता उसका मतलब वो चीज फेक भी हो सकती है,
इसलिए मैं रीजन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चले जो कोई आजकल की यंग पीढ़ी है वो फॉलो करती है, वो इसलिए फॉलो करती है क्योंकि मैं साइंटिफिक रीजन और आधार बताता हूँ। अरे बेटा शादी के बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ, जो डबल वन से आपका दो सूर्य से 11 अंक बनता है, ये अंक बहुत अच्छा है और शादी के लिए आपको मात्र छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आपकी शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। आपने 8 गट्ठी हल्दी की, 8 गट्ठियाँ जो होती हैं हल्दी की, वो चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है गुरुवार को सुबह 9:15 से पहले पहले, और 800 ग्राम चने की दाल जब आपने क्या करना है धार्मिक स्थान पे देनी है, ये भी 9:15 से पहले पहले। आपने एक दफ़ा 8 गट्ठियाँ करनी है, एक दफ़ा चने की दाल करनी है, ये कम से कम 2-2 दफ़ा करना है, उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी। फिर भी अगर और भी अच्छा करना चाहते हो तो एक चुटकी हल्दी की लेनी है पानी में घोलकर, वो भी गुरुवार के गुरुवार नहाया करो, फिर उसके बाद ये उपाय करना शुरू कर दो, तो देखिए शादी कितनी अच्छी होती है और कितना बढ़िया आपको लड़का मिलता है। ओम नमः शिवाय बेटा। सर हाँ बेटा, मैंने एक और पूछना है। पूछिए महक जी, पूछिए। सर मेरे भाई के लिए हम काफी टाइम से रिश्ता देख रहे हैं। भाई के लिए रिश्ता देखने, तो भाई को रिश्ता दिलाने के लिए तो छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, दही की माल छिड़के आपका भाई नहाए शुक्रवार फ्राइडे को सुबह उठते ही आपने 8:15 से पहले पहले नहाना है, 8:15 से बाद नहाएगा तो कोई असर नहीं होगा, 8:15 से पहले पहले दही से मालिश करके नहाए, आपके भाई की भी शादी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब अभी महक जी आई थी, उनका नंबर था 11, 1-1, दो सूर्य से बना था, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये मास्टर नंबर हो जाता है। तभी तो मैंने बोला दो सूर्य से बना, ये नंबर बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान जी की अलग से कृपा होती है, अलग से कृपा होती जी है। ऐसे नंबर जैसे मास्टर नंबर हो गए 11 हो गया, 22 हो गए, 33 हो गए, ऐसे नंबर के ऊपर जो है भगवान जी की अलग से कृपा रहती है, अलग इनको सब कुछ बैठे बैठाए ही मिल जाता है। तो प्रोफेसर बीच में कॉल्स आ रही हैं तो और लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सत मैम। सत श्रीकाल जी, हाँ जी आपका नाम क्या है मैम? मैम मेरा नाम परमजीत कौर है। हाँ जी परमजीत जी, हाँ जी आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? मैम मैं पटियाला के पास माना है जी, पटियाला से बोल रही हैं आप जी, हाँ जी। आज आपका क्वेश्चन क्या है मैम? मैम सरनू मेरी सत श्रीकाल। हाँ जी सत श्रीकाल पुत्र, सत श्रीकाल, क्या नाम बताया आपने? परमजीत कौर। हाँ जी बेटा कन्या राशि बनती पी से, अच्छा बताइए मुझे क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने बारे में नहीं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं आपके पास आई भी हूँ पहले। अच्छा पहले आए हो, कैसा लगा मेरे पास आके? बोले ये पहले मुझे बताओ। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि मैं आपको बोल ही नहीं सकती। ओम नमः शिवाय। बेटा जी ऐसा तो नहीं लगा किसी पंडित के पास गए हो, ऐसा लगा होगा कि ये अपने परिवार के मेंबर के पास आए हो? नहीं सर मुझे अभी, मैं आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे मैं अब ना भी देखूँ ना तब भी मैं आपका शो पक्का लाइक करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना अच्छा लगता है आपको? हाँ जी सर बहुत अच्छा लगता है आपका शो, मैं भी आई हूँ और मेरी सिस्टर आपसे बुक बनवाई है आपसे। अच्छा क्या बात है। अच्छा बेटा क्या हस्बैंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं बेटा? सर मेरे हस्बैंड ना बाहर जाना चाहते हैं विदेश यात्रा के लिए। विदेश यात्रा जाना चाहते हैं बाहर आपके हस्बैंड? हाँ जी। तो आपको सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1983 शुक्रवार शाम में 4 बजे। अरे बेटा ऐसा 20 का अंक जो होता है ना 2 और 0 एकदम से ऊपर जाते हैं एकदम से नीचे आते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ उसके लिए छोटा सा उपाय विदेश जाने के लिए, कानों के पीछे केसर का तिलक लगाएं और आपने क्या करना है, बहुत छोटा मात्र उपाय देने वाला हूँ आपको, आपने क्या करना है जो पंछी होते हैं जो पीले रंग की दाल होती है चने की दाल, वो रात को बुधवार को भगोनी है, सुबह उठ के पंछियों को खिलानी है। गुरु का दान आपने किसको दिया? उड़ते हुए पंछियों को, यानी कि हवाई यात्रा जल्दी बन जाएगी अगर आप ऐसे करते हो, मात्र छोटा सा उपाय कीजिए देखिए हवाई यात्रा का योग बन जाए। 3 बार चुकी है। अरे बेटा तभी तो बोल रहा हूँ ये उपाय करना, आपने क्या करना है चने की दाल भगोकर बुधवार को सुबह उठ के पंछियों को देनी है, आपने जितने भी पंछी जितने भी कबूतर कुछ कई तरफ के पंछी होते हैं, जो भी पंछी आपकी चने की दाल खाएगा बाहर का फौरन के रास्ते खुल जाएंगे। ओम नमः शिवाय बेटा जी, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सर, ओम नमः शिवाय। तो प्रोफेसर साहब आपके जो मुंह के वर्ड होते हैं मुंह के शब्द होते हैं वो सच होते हैं, तो मेरे लिए जी बोलिए ना कि अभी कि तुम्हें विदेश चली जाओ। मेरे ख्याल में आप जाने वाले हो, आप मेरे मैंने देखा था कि आप बातें कर रहे थे प्रोफेसर साहब हम यूके में जाके शो करेंगे जी, तो आप जाने वाले दिसंबर में, कोई दिक्कत नहीं है आप चले नहीं, आप बोलो तो वहां में जाके सेट हो जाओ, मुझे पता है आपकी बातें सच हो जाएंगी, वही छोड़ के आ जाएंगे आपको सेट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी मोगा से बोल रही हूँ, दीक्षा। हाँ जी मोगा से दीक्षा जी बोल रही है। हाँ जी दीक्षा जी कैसी हाँ है आप? ठीक है आप बताओ। बहुत बढ़िया दीक्षा जी, आप हाँ। आपने प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम कब देखा मैम? हाँ जी
अप्रैल में मिले थे हम, 3 साल हो गए जी। 3 साल से आप प्रोफेसर साहब से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। कमाल की बात है, इतनी देर से तो लोग क्या करते हैं, पहले जोशी के पास आ गए, 2 महीने बाद जोशी चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने ऐसा? मैं तो ये पूछूंगी, गुरुजी से बातें अच्छी लगती हैं जी, कोई वहम नहीं है, बहुत अच्छा। उपाय आप करती हैं इनके? हाँ जी, वो कर रहे हैं हम सब जी। आज आपका क्वेश्चन क्या है दीक्षा जी? हाँ जी, वो हमने पूछना था, अभी हमने रिंग बनवाई थी जी, वो सब कह रही है ऐसी नहीं डालनी चाहिए, इसका कोई आप समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी रिंग आप? रिंग चांदी की बनवाई थी, व्हाइट नग था उसमें। चांदी की बेटा मैं आपको बताता हूँ, लोग बहुत वहम डालते हैं, अगर आपने गोल्ड की कोई रिंग डाली या साथ में चांदी की रिंग डालोगी तो चांदी जो होती है गोल्ड के ऊपर चढ़ जाती है, गोल्ड का रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए पुराने हमारे बुजुर्ग मना कर देते थे गोल्ड के साथ चांदी की रिंग नहीं डालनी है। आपने बिल्कुल सही बोलते थे वो, क्योंकि गोल्ड के ऊपर चांदी का रंग चढ़ जाता है, गोल्ड दिखाई नहीं देती। आपको एक छोटा सा उपाय देता हूँ मैं, आप डाल सकते हो लेकिन एक उंगल बीच में छोड़ के डाल सकते हो, कोई वहम नहीं करना। मेरे पास आते हो तो फिर तो दीक्षा जी वहम करना नहीं चाहिए आपको। प्रोफेसर साहब ये वैसे तो मैंने भी पहन रखा है, थोड़ा बहुत ज्योतिष का मैं भी ज्ञान रखती हूँ आपके साथ रहते रहते, मैंने गोल्ड के साथ ही चांदी का पहना, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। अरे मैंने भी ये चीज मैंने भी पहन रखी गोल्ड के साथ चांदी की, इससे पता क्या होता है लोगों का वहम है, गोल्ड फीका चांदी का रंग ऊपर चढ़ना शुरू होता है, पॉलिश करवा ली, वो पता नहीं है लोगों को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ दीक्षा जी, कोई वहम नहीं करना। आपने कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछना चाहते हैं बेटा जी? और घर के बारे में, ब्रदर के बारे में पूछना था। ब्रदर के बारे में क्या जानना चाहते हैं बेटा जी? हाँ जी, रात को नींद नहीं आती, उसकी खारिश की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। रात को नींद नहीं आती, 2 कपूर की टिक्कियां सराहने उसके रख दीजिए, और सुबह उठ के पौधे के नीचे जला दीजिए, इससे रात को नींद आनी शुरू हो जाएगी बेटा जी। ऐसा कम से कम 11 दफा कीजिए, और फिर उसके बाद ये सुबह उठाना पड़ेगा आपको, उठेगा नहीं। ठीक है बेटा जी, ओम नमः शिवाय बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये प्रोफेसर चांदी और सोने का सिस्टम समझ नहीं आया कि मतलब लोगों को इतना वहम कि चांदी के साथ सोना नहीं पहन सकते, कम से कम यही हो जाएगा, थोड़ी पॉलिश खराब हो जाएगी, दोबारा चेंज करवानी पड़ेगी। मैं पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, पुराने जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना पहले, जो ये पुरानी बातें हैं, ये आज से 50 साल पुरानी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ जी। पहले गली मोहल्ले में सुनार नहीं हुआ करते थे जी, सुनार दूर दूर तक हुआ करते थे जी, तो जो पुराने बुजुर्ग है ना उनको दूर जाना बहुत मुश्किल लगता था, सुनार के पास कब जाए, ये सोना हमारा खराब हो गया। जो पुराने सुनार भी थे वो भी वहम में डाल देते थे, क्यों डाल दिया आपने, क्यों कर दिया, पैसे लेने के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो सोना होता है ये सख्त धातु होती है, जो चांदी होती है वो नरम धातु होती है। जब सोने के साथ चांदी पहनते हैं वो चांदी का रंग सोने के ऊपर चढ़ना शुरू होता है। आजकल के बहुत ज्यादा समझदार लोग हो चुके हैं, जैसे कि आपने बोल दिया फटक से कि हमने क्या करेंगे पॉलिश करवा लेंगे, हर तरह पॉलिश हो जाती है। जैसे कि आपको नॉलेज है, ऐसी नॉलेज हर किसी को नहीं है, इसलिए लोग वहम करते हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार मैम, दीपिका बोल रही हूँ नवा शहर से। कहाँ से बोल रही हैं दीपिका जी? नवा शहर से, मैं आपके पास आई हुई थी जी। आप प्रोफेसर साहब के पास आई हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको प्रोफेसर साहब के पास आकर? काफी अच्छा लगा मुझसे मिलके, जो भी बताया अच्छा बताया। तो मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था जी। पूछिए मैम आप अपना क्वेश्चन। जैसे ना मैं अपना काम कर रही हूँ इमिग्रेशन का काम, की मैं चाहती हूँ की वो और अच्छा बढ़े ना, वो उसको उपाय कुछ बता दीजिए। इमिग्रेशन का काम कर रही है, इस काम को आप बढ़ाना चाहती हैं, वो कैसे बढ़ाएं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पैसा छूटता नहीं है, पैसा खर्चता ही रहता है। अरे बेटा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। क्या नाम बताया आपने? दीपिका। बेटा जी, आप इमिग्रेशन का काम को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी। आपने क्या करना है, 800 ग्राम पतासे लेने हैं, पतासे जो होते हैं जो आपको पता है मीठा सफेद रंग के, हाँ जी, वो आपने धार्मिक स्थान पे देने हैं हर मंगलवार। जैसे जैसे ही आप देते जाओगे तकरीबन 3-4 दफा दीजिए 9:15 से पहले और आपका काम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और कानों में गोल्ड वेयर कीजिए, माथे पे सफेद चंद्र का तिलक लगाइए, हो सके तो गोल्ड की चैन भी गले में ढाल लीजिए, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जितना आप गुरु को धारण करोगे उतना गुरु आपको हवाई यात्रा के जो कस्टमर है वो देता रहेगा। ओम नमः शिवाय दीपिका जी, ओम नमः शिवाय। दीपिका जी का दूसरा क्वेश्चन भी था प्रोफेसर साहब, वो कहती थी कि पैसा मेरे पास आता बहुत है लेकिन जुड़ता नहीं है, टिकता नहीं है। पैसे के लिए तो मैंने गोल्ड बताया, गोल्ड पहनेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड, शुद्ध गोल्ड प्लेटर मैंने किया है, ये है सूर्य की धातु, शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिश्रण गोल्ड
गुरु का होता है ये आज तक नहीं पता। किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है, लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया। ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है, लेकिन ये पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की। ये पीतल जो होता है ये गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी हैं। चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो की लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है। कॉपर जो होता है मंगल का कारका होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कॉपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कॉपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है, वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का। ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है। वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके में इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं, कहते हैं जिस पंजाबी दी फिर कहावत मैं जरूर बोलूँगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूँ, कहते हैं जिसकी झोली दाने उनके कमले भी सियाने। पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जे लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उसके पास कहां दुख कहां दर्द कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की है। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित है, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा निराशा गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।